बच्चे आपसे कितने घुल मिल गए हैं? बहुत तंग करते हैं ना? नहीं तो, इस प्यार का अपना ही मजा है। अच्छा पता है साहिबा, भगवान दिलों के रिश्ते पहले से ही जोड़ लेता है, बस एक दूसरे से मिलने की देर होती है ना? तुम्हें लगता है ये सच है? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अच्छा है तुम्हें अपना जीवन साथी तो मिला। डोंट वरी, मैं तुम्हारा भी जीवन साथी खुद ढूंढ ले आऊंगा। वैसे तुमने कभी कहा नहीं है कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? आई मीन जिसे तुम शादी करना चाहती हो, वो मेरे जैसा लंबा होगा या छोटा? छोटा। छोटा। उसका रंग तो मेरे जैसा होगा ना? नहीं? सांवला? गोरा। गोरा। और उसके बाल? उसके बाल सीधे होंगे या घुंघराले? घुंघराले। सॉरी कैप्टन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पर करण, तुमने तो नहीं बताया कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। मुझे जिसके लंबे घने बाल हो, जिसकी गजरारी आंखों के आईने में सिर्फ मैं नजर आऊं, और उसका दिल बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। हाँ कितने दिनों के लिए जा रहे हो? दो चार साल के लिए। हाँ? मेरा मतलब है दो चार दिन के लिए। साली साहिबा, इससे दो चार दिन आराम तो मिलेगा। कुछ भी बोल, इतनी बुरी लगती हो तो मत आना बैग, मेरे भाई लोग मुझे रख लेंगे। मोनिका, जन्म जन्म का साथ है। हाँ करण, जरा मुझे स्टेशन छोड़ दो, ट्रेन का टाइम हो गया। साहिबा जा, तू भी चली जा, वापसी में करण को कंपनी शंपनी हो जाएगी। इसका साइज देखा है, कबाब में हड्डा। भाई साहब, ग्रेवाल इंडस्ट्रीज की छतरी तले ये हमारा 22वां कारखाना खुल गया, साहिबा केमिकल्स। बधाई हो। तुम्हें भी रौनक, हम जो कुछ भी करते हैं अपने परिवार और बच्चों के लिए ही तो करते हैं। दैट्स राइट। एक्सक्यूज मी सर, आओ भंडारी आओ। सर शुगर मिल्स के आपके शेयर्स का ट्रांसफर डीड मैंने बना दिया है। अच्छा, ट्रांसफर डीड? जी, रौनक जी ने अपने सारे शेयर्स साहिबा बिटिया के नाम कर दिए हैं। रौनक भाई साहब, मैंने आज तक शादी का तोहफा नहीं दिया साहिबा को, और फिर जो कुछ मेरा है कल उसी का तो होगा। After all, she is my daughter. मेरी भी तो बेटी है वो। अंकल जी के जाने से उदास हो? हाँ? नहीं तो? अब तो मुझे भी जाना होगा, पीजी भी अच्छी हो गई है। क्या कहती हो? मैं? जो तुम ठीक जानो। Will you miss me? मेरे जाने के बाद मुझे याद तो करोगी ना? याद तो नहीं करते हैं जिन्हें भुला पाते हैं। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम्हारी क्या, बीजी की, घर के सभी लोगों की। कभी कभी लगता है कि मैं घर नहीं जा रहा हूं, बल्कि घर छोड़ के जा रहा हूं। तो क्यों जा रहे हो? मत ना जाओ। पर जाना तो पड़ेगा। क्यों? वहां निशा मेरा इंतजार कर रही होगी ना साहिबा। अचानक मौसम को क्या हो गया? ये कुदरत क्या चाहती है? साहिबा उधर एक घर है, चलो वहां चलते हैं। तुम भीग रही हो साहिबा। तन की भीगने की इतनी फिक्र है करण, और मेरा मन जो पूरी तरह भीग चुका है वो क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता? बारिश का पानी भी अजीब होता है, छूता है तो ऐसे लगता है
किसी ने अंदर चिंगारी लगा दी हो। अरे आप लोग बाहर खड़े भीग क्यों रहे? अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए ना। अरे सुधा देखो भाई कौन आया है। कोई हिरन का नया जोड़ा आया है क्या? अरे नहीं बाबा, हिरन का जोड़ा नहीं, बल्कि सावन के हमारे पहले मेहमान, एक भीगी सी परी और एक भीगा सा राजकुमार। शी इज माय वाइफ सुधा। नमस्ते। बाय द वे आई एम प्रणय। ओह करण साहिबा। हाउ स्वीट। अरे आप तो एकदम से भीग गई। चलिए कपड़े बदल लीजिए, कहीं सर्दी ना लग जाए। आइए ना। हाँ प्लीज 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 आइए। प्रणय। हाँ। बाय द वे इनको भी कपड़ों की जरूरत पड़ेगी ना? अरे हाँ। चलिए प्लीज आइए 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 आइए। बड़ी प्यारी मूर्तियां बनाते हैं आप। थैंक्स। और मेरी वाइफ सुधा अपने प्यार के रंगों से ये तस्वीरें बनाती है। हाउ नाइस। हैव अनदर ड्रिंक, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। नो थैंक यू। अरे ये आगे काफी है। कम ऑन यार, कम ऑन। सिर्फ बाहर की आग काफी नहीं है दोस्त, कुछ अंदर की आग का भी इंतजाम करिए, वरना कुछ देर में इस मौसम में आपकी कुल्फी जम जाने वाली है। बस बस बस, अभी बातें ही करते रहोगे या इनको आराम करने का मौका भी दोगे? Why not? इन्हें भी करने देंगे और हम तुम भी करेंगे, क्या कहती हो? किसी चीज की जरूरत हो तो हम साथ वाले कमरे में ही हैं। चलो भी अब। प्लीज। कितनी अजनबी सी रात है पर है खूबसूरत। कमाल का तूफान आया यहां, कुछ ऐसा ही तूफान मन के भीतर उठता है साहिबा। ऐसे ही कोई बिजली कलेजा काटे डालती है। मत करो इसे।